कि जैसे आप अभी बोले कि जुमा में खुतबा सुनना है गौर से, तो मैं केरला में हूँ तो यहाँ मलयालम भाषा में खुतबे देते हैं, तो उसे समझ में नहीं आता, तो उस हालत में क्या करें? आप बैठे रहिए, कोई हरकत वरकत ना कीजिए, इधर उधर के किसी दूसरे काम में मशगूल मत रहिए, किसी से बात मत कीजिए। जाहिर है आप समझ तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जी ऐसी हालत में कोई दूसरा काम मत कीजिए आप। हालांकि कुछ उलमा ने ऐसी सूरत में कहा है कि जैसे अगर कोई इंसान इतनी दूरी पर है इमाम से, जैसे बहुत सारी मस्जिदें बहुत बड़ी होती हैं, बिल्कुल आपको पीछे जगह मिली और आवाज भी नहीं पहुंच रही है, तो आप क्या जी करोगे? तो बहुत सारे उलमा ने कहा है कि ऐसा आदमी जो उसको आवाज नहीं आ रही है इमाम की, खतीब की, वो आदमी तस्बीह व तहलील कर सकता है, यानी जिक्र व अज़कार। लेकिन आप तो खुतबा सुनते हैं, आप सिर्फ समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आप खामोशी जी के साथ बैठे रहिए और इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह कि आपको खुतबा सुनने का जो अजर है वो आपको मिलेगा। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि खुतबे के बाद जो लोग मलयालम समझते हैं आप उनसे उसका मतलब पूछ लीजिए कि आज क्या कहा गया है खुतबे में, तो आपको वो फायदा भी जी मिल जाएगा।